स्वागत कौन? मंच पे विराजमान हमारे मंत्रीगण, सभी हमारे क्षेत्र के एमएलए एवं कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, समस्त सामान्य मंच और मेरे सामने पंडाल में विराजमान हमारी बाड़मेर जैसलमेर की बहनें एवं भाइयों, युवाओं, यहाँ पधारे हुए सभी मीडिया के मेंबर्स, सभी सिक्योरिटी के मेंबर जो कर्मी हैं, सिक्योरिटी कर्मी एवं अधिकारियों और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को जय भटियाणी सा दादी सर की। आज आप सब यहाँ इतनी तादाद में पधारे, इस रैली में आप लोगों के समर्थन से के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे परिवार ने दाता हुकम हो या आपके प्रत्याशी, इस परिवार ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, ये आप सब जानते हैं। आज आपके बीच में ये कांग्रेस की तरफ से आपके प्रत्याशी बन के खड़े हैं, तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इन्हें जिताएं। मैं आपको मेरे परिवार का क्या बखान करूं, लेकिन दाता हुकम की जो सपना है वो मैं आपको आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि आप जो बुजुर्ग हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ बिराजे हुए मेरे युवा भाइयों को शायद मालूम नहीं है कि दाता हुकम ने जो इस क्षेत्र को दिया है, चाहे वो मालानी एक्सप्रेस हो, चाहे वो थार एक्सप्रेस हो, फिर मारवाड़ क्षेत्र को दाता हुकम ने एम्स जैसी संस्था दी है, इंस्टीट्यूट दिया है, जहाँ हमारा आसानी से इलाज हो सकता है। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो इंस्टीट्यूशन जयपुर में बन रहा था, लेकिन एम्स को दाता ही लेके पधारे अपने जोधपुर। इससे हमारे पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है इलाज कराना। और सबसे बड़ा सपना जो दाता का है वो है ये नहर को नहर से जोड़ना और इस बाड़मेर जैसलमेर की जनता को पानी पिलाना। तो मैं भाइयों और बहनों आपसे विनती करती हूँ कि हमारा तो मेरा तो यही लक्ष्य रहेगा कि आप हमें जीता के भेजें, हम आपको ये नहर से नहर जोड़ेंगे जो अधूरा सपना है। गांधव तक ये नहर आई हुई है और आप ये सरकार बनाएं, कांग्रेस की सरकार बनाने में आपका समर्थन दे, तो ये नहर इंदिरा गांधी नहर से जुड़ेगी और अपने क्षेत्र में पानी सभी को उपलब्ध होएगा। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो आपसे सिर्फ विनती कर सकती हूँ और बाकी संघर्ष मैं आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। हर मौके पे आप लोगों के साथ खड़े रह के मैं संघर्ष करने को तैयार हूँ और इस 36 कौम की सद्भावना में ही मेरा स्वाभिमान है। मैं ये स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हूँ। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि इस स्वाभिमान की लड़ाई में आप मेरा साथ दें और आप आपके साहब को चुन के संसद में भेजें। आप ऐसे व्यक्तियों को चुनें जो आपका काम करवा सके। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को यही कहती हूं कि जिस तरीके से आपने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवाई, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि कांग्रेस की सरकार अपने राजस्थान में बनी है, तो इस जयपुर की कड़ी को दिल्ली से जोड़ना है तो हमें इस बार भी भारी मतों से कांग्रेस को विजय बना के संसद में हमारे सभी 25 ही सांसदों को भेजना है।
ज़्यादा समय नहीं लूंगी, मैं एक बार फिर आपसे विनती करती हूं कि 29 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब पधारें और वोट डालें और आपकी समस्या का समाधान के लिए आपके साहब आपके बीच में हैं, मैं आपके बीच में हूं, आप डायरेक्ट कभी भी काम पड़े तो मुझसे संपर्क करें। ये परिवार आप लोगों के लिए हरदम तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी गर्मी में आपका अमूल्य समय निकाल के पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप सबको फिर से मैं कहती हूँ, आप सब ये युवाओं को, मेरे युवा साथियों को आप समझाएं, क्योंकि इन्हें पिछली जो कांग्रेस की उपलब्धियां हैं वो नहीं जानते। आजकल युवा साथी सारे लगे हुए हैं अपने सोशल मीडिया में। तो मेरे भाइयों, आपको मैं कहती हूँ, सोशल मीडिया में ना लगे, सोशल मीडिया से आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोग काम कीजिए और मेहनत कीजिए, और आप लोग जो सत्य है उसको पहचानिए, जमीनी हकीकत को पहचानिए। और आप कांग्रेस की सरकार को राज में लाइए, कांग्रेस का राज आएगा, आप सबकी नौकरियां मिलेगी, आप सब दिशाहीन नहीं होंगे। जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, इन भाइयों को दिशाहीन किया जा रहा है, तो मेरे भाइयों आप दिशाहीन ना हो। और मैं फिर से आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि सोच समझ के आपको आपका अमूल्य वोट, आपको 29 तारीख को एक एक वोट डालना है और हमें सोच समझ के वोट करना है। तो यही मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जय हिंद, जय भारत।